ये है हमारी गैलेक्सी मिल्की वे। ये हमारे इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा मात्र है। हमारी गैलेक्सी ना तो इस यूनिवर्स में देखी गई बाकी गैलेक्सी से ज्यादा छोटी है और ना ही ज्यादा बड़ी है। हमारा यूनिवर्स इतना अनोखा है कि यहाँ पर मिल्की वे से भी लाखों करोड़ों गुना बड़ी गैलेक्सीज पाई जाती हैं, और इन सब के केंद्र में वो है जो इन जायंट गैलेक्सीज को चला रहा है, एक सुपरमैसिव ब्लैक होल, अंधकार के स्वामी, जो इस अंतहीन ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। जहां तक हम ब्लैक होल्स को जान पाए हैं, ये हम सब के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं। सबसे रहस्यमय और विशालता ऐसी कि इनकी ताकत का बखान करने की जरूरत ही न पड़े। ये ब्रह्मांडीय दानव, जिन्हें अक्सर भयावह बताया जाता है, आकाश गंगाओं के केंद्र में छिपे रहते हैं। अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली ये दानव हमें ब्रह्मांड के इतिहास में झांकने पर तब से दिखाई देते हैं जब से ये ब्रह्मांड अस्तित्व में है। वैज्ञानिकों को हाल ही में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि ब्लैक होल्स हमारे शुरुआती यूनिवर्स में हमारी सोच से कहीं अधिक पहले से मौजूद थे। ये डिस्कवरी हमारी शुरुआती ब्रह्मांड की समझ को बदल सकती है। आखिरकार ये मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स ब्रह्मांड के एकदम शुरुआत में क्या कर रहे थे, ये इतनी जल्दी कैसे बने, और आखिरकार उस अर्ली यूनिवर्स में इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। एस्ट्रोनॉमर्स एक लंबे समय से अर्ली यूनिवर्स में क्वेजार्स की प्रेजेंस को लेकर उलझन में थे। शुरुआती ब्रह्मांड में क्वेजार्स के मिलने का मतलब है वहां सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का मौजूद होना, और इस कंक्लूजन ने वैज्ञानिकों को और भी ज्यादा हैरान कर दिया। इन ऑब्जर्वेशंस की वजह से कई सवाल उठने लगे हैं। शुरुआती ब्रह्मांड जो अभी तक सिर्फ 1 अरब साल पुराना भी नहीं था, वहां सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आखिर कैसे बन सकते हैं, जबकि उनके पास ग्रो करने और इवॉल्व करने का पर्याप्त समय ही नहीं था। तो क्या वो असाधारण रूप से मैसिव जायंट ही पैदा हुए थे, या फिर उन्होंने यूनिवर्स के नियमों को तोड़ते हुए बहुत तेजी से ग्रो करना सीख लिया था। द हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा को यूज करके द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में एक स्टडी को पब्लिश किया गया है, और इस अध्ययन में ये खुलासा हुआ है कि शुरुआती ब्लैक होल्स कम चमकदार थे और अंधेरे से भरे ब्रह्मांड में ही बड़े हो रहे थे। वो अपनी इस खासियत की वजह से हमारी नजरों से अब तक बचते आए थे। ये आश्चर्यजनक खोज न केवल इस रहस्य को और भी ज्यादा गहरा करती है, बल्कि ब्लैक होल्स के फॉर्मेशन पर हमें कई नई इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही है। चलिए आज ब्लैक होल्स के एक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि शुरुआती यूनिवर्स में आखिर इन ब्लैक होल्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ब्लैक होल्स के बारे में हमें क्या बताया है, उस पर भी हम एक नजर डालेंगे। तो इस ब्रह्मांड के रहस्यों से भरे एक रोमांचक सफर पर चलने के लिए तैयार हो जाइए। द मिस्ट्री ऑफ अर्ली सुपरमैसिव ब्लैक होल्स। विज्ञान में ये अब तक की सबसे बड़ी रहस्यमय पहेलियों में से एक है कि बिग बैंग के तुरंत बाद सुपरमैसिव ब्लैक होल्स आखिर कैसे अस्तित्व में आ गए। क्वेजार्स, जो कि इस ब्रह्मांड की सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं, उन्हें जायंट ब्लैक होल से ही पावर मिलती है। इन क्वेजार्स को ही वैज्ञानिकों ने शुरुआती यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज में देखा जब ब्रह्मांड की उम्र 1 अरब साल भी नहीं थी। अब ये ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं कि 1 अरब साल में इनका इतना ग्रो होना कि ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स बन जाएं और क्वेजार्स का निर्माण करें पॉसिबल ही नहीं है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि मैं आपसे कहूं कि क्या आपने 10 साल का बूढ़ा आदमी देखा है, तो आप कहोगे कि भाई 10 साल में पैदा होकर कोई बूढ़ा कैसे हो सकता है। सेम इसी केस को देखकर वैज्ञानिक भी उलझे हुए हैं। अगर उनके पास इतना कम समय था तो वो इतनी जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए। ब्लैक होल्स की बात की जाए तो ये अपने आसपास की गैस, धूल और बाकी चीजों को निगलकर बड़े होते हैं। ये सारा मैटर ब्लैक होल्स के एक्रेजन डिस्क के एरिया में जाकर गिरता है, और फिर वहां से धीरे धीरे ये ब्लैक होल में समाता चला जाता है। जैसे जैसे ये मैटर ब्लैक होल में गिरता है, ये उस एक्रेजन डिस्क में मौजूद बाकी मैटर से टकराता है, जिससे कि फ्रिक्शन की वजह से ये हीट अप हो जाता है, और इसी वजह से पूरी एक्रेजन डिस्क में मौजूद मैटर बहुत हाई टेम्परेचर पर चला जाता है, जिससे पूरी एक्रेजन डिस्क से इंटेंस रेडिएशन रिलीज होता है। ये रेडिएशन एक प्रेशर बैरियर क्रिएट करता है और ब्लैक होल के मैटर कंजप्शन पर एक लिमिट लग जाती है।
जो कि डायरेक्टली ब्लैक होल की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। इस लिमिट को देखते हुए वैज्ञानिक ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है कि आखिर उस समय इस लिमिट के होते हुए भी कम समय में ब्लैक होल्स इतने मैसिव आखिर कैसे हो गए थे। वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए इसके दो पॉसिबल सॉल्यूशंस कुछ इस तरह से हैं। या तो ये जाइंट ब्लैक होल्स किसी स्टेलर मास ब्लैक होल से बने होंगे, जो कि एक मैसिव स्टार के अवशेष होते हैं जो बेहद जल्दी मर जाते हैं। उन्हें एक सुपरमैसिव ब्लैक होल की स्टेज तक पहुंचने में कम टाइम लगता है, लेकिन अगर ये प्रोसेस अगर थोड़ी सी तेज हो जाए तो ये एक दिए गए लिमिटेड टाइम में ग्रो हो सकते हैं। अब क्योंकि इनकी शुरुआत ही हमारे सूर्य से 1000 गुना भारी द्रव्यमान से होती है, इसीलिए इन्हें हैवी सीड्स भी कहा जाता है और इसी कारण से ये तेजी से बड़े आकार में पहुंच जाते हैं। लेकिन ये हैवी सीड्स आखिर आए कहां से? एक थ्योरी सजेस्ट करती है डार्क मैटर हेलोज को। ये एक इनविजिबल मैटर का बना हुआ स्ट्रक्चर है जो कि गैलेक्सीज को बांध कर रखता है। ये स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मात्रा में गैस क्लाउड्स को भी ट्रैप कर लेते हैं और ये उन क्लाउड्स को एक तारे में तब्दील नहीं होने देते। जब उन गैस क्लाउड से तारे नहीं बनते तो वो सीधा ब्लैक होल में कोलैप्स हो जाते हैं, जिससे कि एक बड़े हैवी सीड का निर्माण होता है। हालांकि प्रॉब्लम अभी भी है, सिर्फ कुछ ही डार्क मैटर हेलोज इतने बड़े पाए गए हैं कि वो डायरेक्ट ब्लैक होल कोलैप्स को ट्रिगर कर पाए। इस तरह से बने ब्लैक होल्स शुरुआती यूनिवर्स में काफी कम मात्रा में पाए जाने चाहिए, क्योंकि उन्हें बनाने वाले डार्क मैटर हेलोज ही काफी रेयर थे। लेकिन हाल ही में सामने आई एक नई रिसर्च से ये पता चलता है कि शुरुआती ब्रह्मांड में हमें जितने ब्लैक होल्स देखने को मिले हैं वो हमारी कैलकुलेशन से काफी ज्यादा हैं, और इस वजह से एस्ट्रोनॉमर्स अब ये मानने पर मजबूर हो गए हैं कि शुरुआती यूनिवर्स में कुछ बहुत ही मिस्टीरियस फोर्सेस काम कर रही थी, जिनकी वजह से हमारा आज का विज्ञान उन्हें समझ नहीं पा रहा है। अब ब्लैक होल्स हों और उनके साथ कोई मिस्ट्री ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ब्लैक होल्स एंड JWST डिस्कवरीज। एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से अब एस्ट्रोनॉमर्स अर्ली यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सीज में छिपे हुए ब्लैक होल्स को भी खोज पा रहे हैं। पहले हम केवल उन चमकीले क्वेजार्स को ही डिटेक्ट कर पाते थे क्योंकि वो बहुत ब्राइट होते हैं, लेकिन हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप की ऑब्जर्वेशन ने बहुत से कम चमकने वाले ब्लैक होल्स को भी खोज निकाला है जो अब तक हमारी नजरों से छिपे रहे थे। वैज्ञानिकों ने गैलेक्सीज के 15 साल के ब्राइटनेस डेटा को मॉनिटर किया, जिससे कि वो यूनिवर्स में चुपचाप ग्रो हो रहे ब्लैक होल्स का अनुमान लगाने में भी सक्षम हो गए हैं। इस मेथड ने हमें एक नया डेटा दिया है जिससे पता चलता है कि जितने ब्लैक होल्स को हम पहले मानकर चल रहे थे, असल में शुरुआती यूनिवर्स में उनकी संख्या कई गुना ज्यादा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस खोज को और आगे बढ़ाया है। अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंसिटिविटी और एडवांस स्पेक्ट्रोस्कोपिक कैपेबिलिटीज की बदौलत JWST ने अर्ली यूनिवर्स के फेंट ब्लैक होल्स का शिकार करना भी शुरू कर दिया है। ये उनकी एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ये टेलीस्कोप आकाशगंगाओं के भीतर छिपे ब्लैक होल्स की हल्की चमक को पकड़ने में भी सक्षम है। ये एस्ट्रोनॉमर्स को हेल्प करेगा हमारे कॉस्मोस के शुरुआती मॉडल्स को रिफाइन करने में। लेकिन फिर इससे एक और सवाल खड़ा होता है, अगर उस समय इतने सारे ब्लैक होल्स मौजूद थे तो वो सब इतना जल्दी ग्रो कैसे हुए? आखिर उनके खाने के लिए इतना मैटर कहां से आया होगा? वैज्ञानिकों की माने तो इसका उत्तर छिपा हो सकता है मील टाइम वेरिएबिलिटी में, ब्लैक होल्स के अलग अलग समय पर खाने की आदतों में। तारों के विपरीत ब्लैक होल्स लगातार ग्रो नहीं करते, बल्कि वो अपने खाने के समय में एक गैप रखते हैं, वो ब्रेक लेते हैं, जिसकी वजह से ये अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि उनके साइज के बढ़ने का असली रेट आखिर क्या है। ब्लैक होल्स यहाँ पर भी हमें चकमा दे देते हैं। ये खोज इसलिए भी ग्राउंड ब्रेकिंग है क्योंकि ये हमारे पहले के मॉडल से कॉन्ट्रडिक्ट करती है, यानी कि ये हमारे बनाए गए मॉडल्स को गलत साबित करते हैं। वैज्ञानिक अब ये मानते हैं कि अब तक जो भी ब्लैक होल्स खोजे गए हैं, बेहद चमकीले क्वेजार से लेकर हाल ही में खोजे गए कम चमकीले ब्लैक होल्स तक, ये सब इतने ज्यादा हैं कि सभी डायरेक्ट कोलैप्स से नहीं बने होंगे। इससे पता चलता है कि जरूर उस समय में कुछ बेहद ही रहस्यमय प्रक्रियाएं काम कर रही थी जो न केवल बड़े बल्कि भारी मात्रा में इन ब्लैक होल्स को बना रही थी।
आने वाले 5 सालों में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस कॉस्मिक पजल को सुलझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसकी फेंट ब्लैक होल्स को देख सकने की क्षमता वैज्ञानिकों को पहले बने तारों को मरता देखने की भी ताकत देती है, और ये घटना हमें बता सकती है कि ब्लैक होल्स के शुरुआती सीड्स इतने भारी मात्रा में कहां से आए और यूनिवर्स ने आगे की यात्रा को कैसे संपन्न किया। द डार्क स्टार्स। ब्लैक होल फॉर्मेशन की स्टैंडर्ड थ्योरीज के अलावा वैज्ञानिक अब और भी ज्यादा अजीबोगरीब आइडियाज को कंसिडर कर रहे हैं ताकि अर्ली यूनिवर्स के ब्लैक होल्स को किसी तरह से एक्सप्लेन किया जा सके। और इन्हीं अजीबोगरीब आइडियाज में से एक है डार्क स्टार्स का कॉन्सेप्ट। हालांकि डार्क स्टार्स पूरी तरह से हाइपोथेटिकल यानी काल्पनिक हैं। ये तारा तब बनता है जब गैस का एक बड़ा बादल ढहने लगता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नॉर्मल तारा बनता है। लेकिन जब उस नॉर्मल स्टार फॉर्मेशन में डार्क मैटर मौजूद होता है तो कुछ रहस्यमयी होता है। जैसे ही बादल में मौजूद गैस कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी सिकुड़ती है, ये भारी मात्रा में डार्क मैटर पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेती है, और ये पार्टिकल्स उस नॉर्मल बनने जा रहे स्टार के इंटरनल स्ट्रक्चर को इस तरह से मॉडिफाई कर देते हैं कि उसके केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस रुक जाती है, जो कि तारों को चमक देती है। बिना फ्यूजन प्रोसेस के ये तारा किसी नॉर्मल तारे की तरह नहीं चमक पाता, लेकिन ये उन तारों की तुलना में बहुत लंबे समय तक जीता है और बहुत ही विशाल बन जाता है। और आखिरकार ये तारे अपने ही वजन के नीचे ढह जाते हैं और एक ब्लैक होल में बदल जाते हैं, जो किसी भी नॉर्मल स्टेलर मास ब्लैक होल से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। सोचने वाली बात है कि अगर ये ऑब्जेक्ट्स हमारे अर्ली यूनिवर्स में मौजूद थीं, तो वो हमारे द्वारा देखे गए बहुत ज्यादा ब्लैक होल्स की ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हालांकि डार्क स्टार्स आज भी हमारे लिए एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, एक काल्पनिक अवधारणा है, लेकिन JWST जैसे बड़े टेलीस्कोप ऐसे तारों की एग्जिस्टेंस को साबित करने में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। उन शुरुआती तारों के कोलैप्स को अपने टेलीस्कोप से देखना हमें बता सकता है कि क्या डार्क स्टार्स ने अर्ली यूनिवर्स में ब्लैक होल फॉर्मेशन में कोई बड़ी भूमिका निभाई थी या फिर नहीं। ये थ्योरी ब्लैक होल्स के बारे में बढ़ते सवालों की लिस्ट में एक और रोमांचक संभावना जोड़ देती है। क्या ब्रह्मांड में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं काम कर रही हैं जिन्हें हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। फ्यूचर ऑफ ब्लैक होल रिसर्च। भविष्य में ऐसी रोचक खोजों की संभावना बहुत ज्यादा है। पिछले कुछ सालों में ही इस फील्ड में रिसर्च में एक नई क्रांति देखने को मिली है। आने वाले मिशन जैसे कि यूक्लिड मिशन और नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप फेंट ब्लैक होल्स को ही नहीं बल्कि फेंट क्विजार्स को देखने में भी मदद करेंगे। इसी बीच ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बन रही स्क्वायर किलोमीटर एरे यानी कि SKA जैसी ऑब्जर्वेटरीज ब्लैक होल्स को गहराई से समझने में हमारी मदद करेंगी। लेकिन अभी तो JWST इस रिसर्च में सबसे आगे है। ये अर्ली यूनिवर्स के कुछ सबसे फेंट ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व करके हमारे पुराने मॉडल्स को रिफाइन करने में हेल्प कर रहा है। आने वाले कुछ सालों में हम इसकी सहायता से किसी कोलैप्स होते हुए तारे को ढूंढने में भी सफल हो जाएंगे, और तब वो खोज ऐतिहासिक होगी। हम अपने ही इतिहास को जानने, उसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शायद ब्रह्मांड है ही कुछ ऐसा कि जब भी हम इसकी उत्पत्ति को समझने के करीब जाते हैं, रास्ते में और नए सवाल हमारे सामने आ जाते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए। दोस्तों, जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी। नमस्कार।